ये सामने आपके सामने जो ये तानपुरा है, ये रेडेल का है, ठीक है। तो इसको इलेक्ट्रिक तानपुरा कहते हैं। तो मेरे पास बहुत सवाल आते हैं कि कैसे इसको चलाना चलाना होता है और कैसे इसको ठीक तरह से चलाए। इसका फंक्शन कई लोग को मालूम नहीं होता है। तो आज मैं आप सबको, अगर आपको मालूम नहीं कि कैसे रेडेल का ये जो मॉडल है इसको चलाना जाता है, तो मैं आपको सब दिखा दूंगा, ठीक है। तो आशा करेंगे आप लोगों को अच्छा लगे। तो चलिए अपने वीडियो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए इसके इसके साथ क्या क्या आता है। पहले तो इसके साथ एक यूएसबी पोर्ट आता है जिसमें आपको कनेक्शन लगाना होता है, जो ए वाला है, ठीक है। ये जो ए वाला, इसको पहले इसमें घुसा देना आप लोग। और हाँ, और एक बात, आप इसको क्या होता है बैटरी के माध्यम से भी चला सकते हैं, ये देख लीजिए, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये जो पहले पहले इसको कनेक्शन दीजिएगा आप लोग, ठीक है, घुसा लीजिए। आपके पास अगर एक्सटेंशन कॉर्ड होगा और जहाँ भी हो आप अपने स्विच बोर्ड में लगा दीजिए, और मैं जैसे कि इधर लगा रहा हूँ, ठीक है। अभी कनेक्शन दे दिया, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो पावर ऑन का ऑप्शन है, ठीक है, इसको क्लिक कीजिएगा एक बार। देखिए स्टार्टिंग हो गया, ठीक है। तो अभी देखिए इसको, ये जो वॉल्यूम बटन है, ये पहले वॉल्यूम बटन एक इसका है तानपुरा का है, देखिए ये साइड में दिया हुआ है, और इधर पे है ये वॉल्यूम बटन है तबला का है, ठीक है। इससे स्टार्ट होता है, इससे स्टॉप होता है। इधर पे भी देखिए एक टोन मेंटेन करता है ये वाला वॉल्यूम मेंटेन करता है। और अभी चला के आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। देखिए अभी जो ये नी पे है, देखिए नी पे, ठीक है। तो इसको कैसे चेंज किया जाता है, पहले आपको टोन सुना देता हूँ। देखिए इसको वॉल्यूम को, इसको जितना बढ़ाया गया आप लोग उतना ही बढ़ेगा, और इसका लिमिट है 20 वॉल्यूम, इसके बाद ये नहीं होगा। कम कर दिया, ठीक है थोड़ा सा। अब देखिए ये जो वाला है नी पे है, कहाँ गया, ये जो वाला नी पे है इसको कैसे चेंज करें। देखिए इधर पे दिया हुआ है पा मा नी, तो इसको प्रेस करके रखेंगे थोड़ा देर। देखिए मा में आ गया, नी पे आ गया, पा में आ गया, मा में आ गया, नी पे आ गया, ठीक है। इसका फंक्शन आप लोग को समझ आ गया। अब देखिए टोन का जो मामला है इसको देखिए, इसका फाइनल है टोन 21 तक ही जाएगा। इसको थोड़ा कम कर देते हैं, सुनने में बड़े बहुत बढ़िया है। और इलेक्ट्रिक में बहुत मदद होता है कि आप लोग को बजाना नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज भी होता है। तो सब कुछ लेके हम लोग को चलना होगा, ठीक है। ये गया तानपुरा का पार्ट। हाँ अब बात आती है कि इस ये जो अभी देखिए ये है किस पे, सी पे है। तो इसको चेंज कैसे करें, सी शार्प में, डी में, डी शार्प में कैसे ले जाए। देखिए देखिए अभी जो सी पे है कैसे करें, पहले आपको एक बार पिच क्लिक करना होगा। पिच क्लिक के देखिए पिच आ गया, ठीक है। अब ए जो वाला है, ए वाटा स्टोर वाला जो लिखा हुआ है, इसको प्रेस करके रखना होता है, ठीक है। देखिए फिर से मैं कर रहा हूँ, अब देखिए सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, ठीक है, खत्म हो गया। अब रिकॉल करना होगा तो फिर नीचे से देखिए एफ, डी शार्प, ई, डी, ठीक है। समझ आया आप लोग को, शायद बहुत बढ़िया से आप लोग को समझ आ गया होगा, ठीक है। एक यार
तानपुरा का पार्ट, तानपुरा का पार्ट पूरा खत्म हो गया। अब टेम्पो को कैसे मेंटेन करना होता है, टेम्पो तो जनरली क्या होता है कि तबले में आता है, देखिए टेम्पो अगर आप इसको प्रेस करके रखेंगे, ठीक है, ये आपको पहले तबला दिखा देता हूँ, तबला का पोर्शन देखिए, तबला जो है इसमें क्लिक कीजिएगा पहले स्टार्ट हो जाएगा, देखिए अभी तबला स्टार्टिंग हो गया है लेकिन इसका वॉल्यूम डाउन है इसलिए नहीं हो रहा है, देखिए अभी अभी अद्धा में है, ठीक है, इसको कैसे चेंज करना होता है देख लीजिए, ताल जो इधर पे लिखा हुआ है इसको पहले क्लिक कीजिए, अभी इसको पहले चेंज कर लेंगे, ठीक है, अभी अद्धा है, अभी तीन ताल में ले आएंगे, देखिए तीन में आया, ठीक है, तीन फाइव में आया, ठीक है, तीन ताल पहले ले आते हैं, रुको, ठीक है, अभी देखिए स्टार्ट कर लेंगे, देखिए इसका जो टेम्पो है इसको कैसे बढ़ाना, टेम्पो को पहले क्लिक करेंगे उसके बाद देखिए स्टोर में जो है 10-10 अगर प्रेस करके रहेंगे तो 10-10 करके बढ़ेगा, और अगर एक बार क्लिक करेंगे तो एक बार एक एक करके कमेगा, एक एक करके बढ़ेगा, ठीक है, ठीक है, अभी मेरे को स्टॉप करना है, ठीक है, तो देखिए कैसे स्टॉप होता है, ठीक है। एक तबले के लिए भी सेम चीज़ करना होता है, हम लोग को पीच अगर मेंटेन करना होगा तो पीच को कैसे उठाए देखिए, तबले के लिए तबला बजाए, ठीक है, पहले तबला स्टार्ट किया, ठीक है, अभी देखिए सी में है, इसको पीच कैसे उठाए तो पीच में एक बार क्लिक करेंगे स्टोर में, ठीक है, दिशा ई, ठीक है, हमको अगर नीचे लाना होगा तो रिकॉल, जोर से बज रहा है तो बाया का जो वॉल्यूम है उसको डाउन कैसे करें, तो देख लीजिए कैसे होता है, देखिए इधर पे बाया लिखा हुआ है, ठीक है, इसको डाउन करेंगे, ये देखिए 21 में है, अभी 20 में आया, 19, 18 ऐसे करके कमाएंगे, देखिए साउंड कम हो गया, बाया का एकदम वॉल्यूम डाउन हो गया, ठीक है, बढ़ाना होगा फिर से कर देंगे कोई बात नहीं, अब मेरे को ये बंद करना है तो कि स्टॉप, ठीक है, एक बार बस बंद हो गया, अब इस एक बार क्लिक करेंगे, सिर्फ एक बार, ठीक है, एक बार क्लिक करके ओपन, ठीक है, और एक बार क्लिक करके ऑफ, ये गया, ठीक है, शायद आपको कोई और जानकारी नहीं चाहिए होगा, अगर जानकारी चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पूरी सहायता करने का कोशिश जरूर करूंगा, चलिए थैंक यू।